उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 390.45 करोड़ की लागत से कुल 87 विकास परियोजनाओं का लखनऊ से वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम था, जहां पर उनका आगमन होना था, लेकिन बदलते हुए मौसम के चलते यहां पर वो लैंड नहीं कर सके और इस दौरान उन्होंने लखनऊ वापस पहुंचकर वहीं से वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। श्रावस्ती जनपद में रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद श्रावस्ती भ्रमण कार्यक्रम था। विपरीत परिस्थितियों के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री का प्रस्तावित आगमन न हो पाने के कारण मुख्यमंत्री ने लखनऊ से ही वर्चुअल माध्यम से जिले में 390.45 करोड़ की लागत से कुल 87 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने वर्चुअल दूरभाष माध्यम से ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल विकास बाल सेवा योजना, आयुष्मान भारत योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित कराकर लाभान्वित किया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को सूचना विभाग द्वारा विकास की लहर हर गांव हर शहर काम दमदार योगी सरकार नामक फोल्डर का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के प्रदर्शनी स्टॉल तथा सूचना विभाग द्वारा LED बैन होल्डिंग व स्टैंडी आर लगाए गए थे। जनपद में एक साथ 390.45 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने जिले में दोनों विधानसभाओं की लाखों की लागत से 55 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान श्रावस्ती जनपद के पूर्व सांसद ददन मिश्रा व विधायक रामफेर पांडे तथा जिले के प्रभारी मंत्री आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ICDS विभाग के माध्यम से 6 माह पूरा करने वाले बच्चों को अन्नप्राशन एवं पोषण पोटली तथा खिलौना वितरण महिला समेत अन्य कार्यक्रम का भी लोकार्पण किया। और दोनों स्थानों पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं आज जनपद श्रावस्ती और जनपद बहराइच की सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए अपने प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ दोनों कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आ रहा था। आपने देखा भी होगा कि हमारा हेलीकॉप्टर बहराइच के ऊपर से होते हुए श्रावस्ती की ओर जा रहा था, लेकिन श्रावस्ती में तेज आंधी और तूफान के कारण हम लोग श्रावस्ती में नहीं पहुंच पाए और देखते ही देखते बहराइच में भी मौसम ने करवट ली और उन विपरीत परिस्थितियों में दोनों स्थानों पर लैंड करने में जब पायलट ने समर्थता व्यक्त कर दी तो मुझे वापस प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ लखनऊ वापस आना पड़ा है। दूसरी बार इन दोनों स्थानों पर कार्यक्रम स्थगित होने के लिए और आप सब वहां पर उपस्थित हुए, आपको सभी को कष्ट हुआ है। मैं सबसे पहले आप दोनों स्थानों पर उपस्थित जितने भी हमारे उपस्थित नागरिक बंधुगण हैं, भाई बहन हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सब के प्रति इस अवसर पर कि मैं उपस्थित नहीं हो पाया, प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, मौसम की विपरीत परिस्थिति के कारण हमें वापस आना पड़ा है, हमें इसका हार्दिक खेद है, लेकिन आप सबके उत्साह के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों हम सब जानते हैं कि श्रावस्ती और बहराइच दोनों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की एक पवित्र साधना स्थली रही है। कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक चातुर्मास इसी स्थान पे व्यतीत किए थे। देश और दुनिया
अपार आस्था के साथ श्रावस्ती को देखती है। देवीपाटन मंडल के चारों जनपदों का केंद्र बिंदु श्रावस्ती है। पर्यटन विकास की संभावना को आगे बढ़ाने का रहा हो या फिर नए एयरपोर्ट के विकास के लिए हम लोग जहां तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं, वहीं आज 390 करोड़ रुपए की से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे श्रावस्ती में आना था, लेकिन वर्चुअली मुझे इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास की घोषणा करनी पड़ रही है। मैं श्रावस्ती से जुड़े हुए सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं का, उपस्थित नागरिकों का इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ जो इसमें इस जनपद के भिनगा और श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र से संबंधित इन सभी परियोजनाओं के लिए हमारे पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक और अन्य कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया, केंद्र और प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को जनपद श्रावस्ती के लिए दिया है, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहराइच का अपना महत्व है, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से। बालार्क ऋषि का पावन साधना स्थली रही जनपद बहराइच, महाराज सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम का साक्षी रहा है। आप सब जानते हैं फरवरी 2021 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महाराज सुहेलदेव के ऐतिहासिक विजय स्थल पर एक बहुत विराट स्मारक बनाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और यह युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है, जो भविष्य में बहराइच को एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करके उसके गौरव और उसकी गरिमा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ आज मैं बहराइच जनपद से जुड़ी हुई इन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित होता और इन परियोजनाओं के माध्यम से वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनमानस के साथ संवाद बनाता। लेकिन हम सब जानते हैं कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण बहराइच में भी हमारा हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया और मुझे वापस लखनऊ आना पड़ा है। आज बहराइच